नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी रिच बाय सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल है क्या। दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम किसी कंपनी को के प्रोडक्ट को रेफर करके जो अर्निंग करते हैं उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी कंपनी है अमेज़न। अमेज़न भी अफिलिएट मार्केटिंग करके हमको हमारी रेफर कमीशन देती है। अगर आप भी अमेज़न में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अमेज़न से प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे पैसा कमाएं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें और कैसे प्रोडक्ट का लिंक बनाना है और फिर जाके हमें क्या है प्रोडक्ट को सेल करना है। तो अफिलिएट मार्केटिंग करके भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अमेज़न अफिलिएट में क्या करना है, अगर आपको अमेज़न का अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ जैसे मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आपने सर्च करना है, क्या सर्च करना है, अमेज़न अफिलिएट। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अमेज़न अफिलिएट। यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, पर हम अमेज़न अफिलिएट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे साइन अप पे या साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक किया दोस्तों, अगर आपका अमेज़न में अकाउंट, अमेज़न जिससे हम शॉपिंग करते हैं उसमें अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ आप यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है और आपका पासवर्ड यहाँ पे डालना है, तो साइन इन कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अमेज़न में अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। तो दोस्तों, मेरे पास आईडी नहीं है तो मैंने क्या किया, क्रिएट अमेज़न अकाउंट। तो मैंने अमेज़न का नया अकाउंट क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है। सेकंड पे आपको अपनी ईमेल फिल करनी, जो भी आप ईमेल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रख देंगे और दोबारा पासवर्ड डाल के यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या, आपका क्या होगा, ये पासवर्ड सेव कर लेना। आपको यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है उस पर ओटीपी आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी ओपन करनी है जिस पे आपने मेल बनाई थी। मेल आईडी पे चेक करना है आपको मेल आई या नहीं आई। तो आप चेक करेंगे अपनी मेल आईडी पे। दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना ओटीपी फिल करना है। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी फिल किया। यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी फिल करने के बाद क्या करना है दोस्तों, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे द ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आर यूजिंग कनेक्टेड टू अश्योर इफ यू डोंट हैव अमेज़न अकाउंट प्लीज। उसके बाद दोस्तों हमारा अमेज़न अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हमारा काम यहाँ पे आ जाता है। अब हमें यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना डिटेल यहाँ पे देखो, मेरा अकाउंट ओपन किया, ओपन हो रखा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन, इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। किस अकाउंट में आप पेमेंट लेना चाहते हैं, जो भी इससे कमाई होगी तो वो अकाउंट नेम डाल रहे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल सकता हूँ, ठीक है, जो भी जिस भी अकाउंट पे आपको पेमेंट्स लेना है। सेकंड पे क्या, अपना लैंड एड्रेस जो आपका यहाँ पे टिक स्टार है इसको तो आपको कंपलसरी फिल करना ही करना है। तो अपना एड्रेस दे देंगे, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर अपना सिटी दे देंगे, सिटी देने के बाद अपना स्टेट दे देंगे, पोस्ट कोड देंगे, ठीक है, और जो भी आपका ये एड्रेस वगैरह है भी आप यहाँ पे सारा दे देंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना सब चीज़ फिल करेंगे, आपको भी सेम इसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद दिस इज़ पे लिस्ट अबव, इसको ऐसे रहने देना है। अब ये इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, US टैक्स पर्पस, तो आप US के पर्सन तो हो नहीं, तो यहाँ पे नो क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा।
नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट सजेशन एड्रेस पे हम क्लिक कर दिया। अब दोस्तों अगर आपकी कोई वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट पे आप इसका प्रमोट करना चाहते हो, तो आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं। नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं है अगर आपके पास कोई सोशल लिंक है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास तो वेबसाइट है नहीं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है अपना, अगर आपका पेज है, फेसबुक पेज है, तो पेज का आपको लिंक यहाँ पे डाल देना। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हो, तो अपना ब्लॉग यहाँ पे डाल देना। पर मेरे पास क्या है, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं अपना ना चैनल नेम, यहाँ चैनल का लिंक यहाँ पे डालूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, देख लीजिए मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं डाल दूँगा अपना चैनल का लिंक। आप भी अपने चैनल का, अगर आपका यूट्यूब चैनल तो वो डाल सकते हैं, फेसबुक पेज है तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मैंने ऐड किया यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया अपना और मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा ऐड हो गया दोस्तों। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, आपकी स्टोर आईडी मांगता है। अब जैसे मैं अपनी ये स्टोर आईडी बना देता हूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे ये मैंने अपनी स्टोर आईडी बनाई, जैसे बीरिच गणेश, ठीक है। यहाँ पे आपको योर मोबाइल ऐप लिस्ट, यहाँ पे कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने वेबसाइट के बारे में आप डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने क्या करना है, अपने अबाउट सेक्शन में डाला रहता है, हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इतना सा भी हम डाल देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अबाउट में मतलब आपकी वेबसाइट पे किसी चीज़ के टॉपिक आप बनाते हैं तो वो यहाँ पे आपने डाल देना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जो मेरे पास अबाउट सेक्शन में था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है विच टॉपिक्स डिस्क्राइब इन योर वेबसाइट, तो आप अपने उसमें किस किस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करते हो। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं, अगर आप बुक्स का रिलेटेड डालते हो, फाइनेंस पॉलिटिकल में डाल सकते हो, ज्योग्राफी में, मेडिकल में। तो मैं मोस्टली क्या एजुकेशन प्रेफरेंस करूँ, एजुकेशन डाल सकते हैं आप, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो एजुकेशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सेकंड टॉपिक आपका क्या रहता है, जैसे मैंने पहले एजुकेशन डाला था, आप किस चीज़ में और क्या करते, तो मैं सोशल नेटवर्क साइट पे यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस किस चीज़ में, व्हाट टाइप अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट योर वेबसाइट और ऐप, तो आप कौन कौन सी मतलब कौन कौन से आइटम आप अपने साथ रखना चाहते हो। तो मैं तो सभी को सिलेक्ट करता हूँ, आप इच्छा है आप कैसे कैसे किसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये पूछ रहा है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया डिस्क्राइब योर वेबसाइट के बारे में, तो वो आप बता सकते हैं कि आप क्या, यहाँ पे मैं न्यूज़ नहीं, एजुकेशन वगैरह भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डाल सकता हूँ। आपको सोशल साइट में, नेटवर्किंग साइट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों व्हाट टाइप आर यू वेबसाइट और ऐप, तो आपकी जो वेबसाइट और ऐप जो भी आप करते हो तो वो किस टाइप की वेबसाइट है। तो मेरा है कंटेंट वेबसाइट, यहाँ पे आप डाल। सेकंड में हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पेज, मैनुफैक्चरिंग कूपन्स, कंटेंट वेबसाइट भी डाल सकते हैं और सोशल मीडिया भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पर हम क्या करेंगे,
वहाँ पे अगर हमने डाला तो हम सोशल मीडिया पेज या ग्रुप नहीं डालेंगे, हम हमारा भी कंटेंट यहाँ पे वेबसाइट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हम मैंने कंटेंट वेबसाइट। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो आपके पास जो ट्रैफिक आता है, आपकी जो वेबसाइट, आपका जो चैनल है, उस पर ट्रैफिक कैसे आता है? तो दोस्तों हमारे पास कैसे कैसे आता है, ऑफलाइन भी आता है, सोशल नेटवर्क के द्वारा भी आता है, SEO के द्वारा भी आता है, लीड जनरेशन के द्वारा भी आता है, और अदर भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये कर देना है सिलेक्ट। बाकी आपकी ऑप्शन है, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन लगते हैं आप फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अब ये क्या बोलता है, हाउ डू यू, दोस्तों हम जो इनकम जो हमें से आती है वो कैसे आते हैं? एक आती है थर्ड पार्टी नेटवर्क से। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिलेक्ट करना है, हाउ डू यूजली बिल्ड ए लिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम HTML एडिटर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर डू यू वेबसाइट एंड गेट पर मंथ इनकम। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपकी YouTube चैनल पे कुछ भी नहीं आता तो आप लेस देन 500 कर सकते हैं। अगर आप 500 से लेके 5000 तक आते हैं आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 501 to 5000। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, व्हाट इज़ द योर प्राइमरी रीज़न टू ज्वाइनिंग Amazon Affiliate प्रोग्राम। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों यूजफुल कंटेंट फॉर माई साइट, हाउ डिड हियर अबाउट यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कैसे डालना है, ऑनलाइन सर्च या आपको जैसे भी इसके बारे में पता लगा तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट रह गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कैप्चा दे रखा है वो फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे कैप्चा दिया है 5758 स्मॉल वाई और 5 यहाँ पे दिया है। इसके बाद दोस्तों ये क्या करना है, टर्म कंडीशन एग्री कर लेनी है, उसके बाद नीचे जाना है और फिनिश कर देना है। फिनिश होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गणेश सिंह चौहान, आपका अकाउंट रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, अगर आप टैक्स मतलब अगर आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह डालना है तो आप अभी डाल सकते हैं नाउ पे क्लिक करके, अगर आपको बाद में डालना है तो बाद में डाल सकते हैं। तो लेटर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। अब आगे चलेंगे, ये मेरा अकाउंट रेडी हो गया दोस्तों। इस तरीके से मेरे अकाउंट हम रेडी करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना अकाउंट रेडी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम कोई प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट का अगर लिंक बनाएंगे तो सबसे पहले उसके लिए क्या कर? अब दोस्तों जैसे हमें कोई ये प्रोडक्ट सेल करना है, नीचे प्रोडक्ट दे रखे हमें जिसको हम सेल कर सकते हैं, तो हमें जैसे सपोज करो ये सेल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, गेट ए लिंक करेंगे। गेट ए लिंक करने के बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा तो इसको हम शॉर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ओनली। अगर हम टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे, ये दोस्तों हमारा लिंक है यहाँ पर ओनली शॉर्ट लिंक। यहाँ पे हम जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है, HTML लिंक भी आएगा, आपको लिंक ओनली लिंक भी आएगा और शॉर्ट लिंक भी आएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों शॉर्ट लिंक। ये शॉर्ट लिंक हमने क्लिक कर दिया, इस लिंक को हम कॉपी करके भी जिसको हम भी रेफर करेंगे तो जो भी वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसकी इनकम हमें यहाँ पे आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे और चीज़ चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये रिकमेंड कर रहा है हमें, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जाए तो जो भी दोस्तों आपकी इनकम बनेगी, एफिलिएट की इनकम बनेगी, वो यहाँ पे आपको कितने क्लिक आए हैं, कितना ये सब चीज़ आपकी आपकी जो टोटल इनकम हो वो यहाँ पे आपको शो करेगी, आपकी कितनी अर्निंग हुई लास्ट 30 डेज पे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके पैसा कमा सकते हैं।
प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करके।